write single C statements that कुछ C statement लिखने हैं जो भी action दिया जा रहा है उसको perform करने वाले होने चाहिए. तो पहला action input unsigned integer variable x with scanf use the conversion specifier percentage u. मतलब scanf statement लिखना है जो किसी x नाम के वेरिएबल को रीड करे और उसके लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर जैसे इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी लेते हैं डेसिमल इंटीजर के लिए, या अनसाइंड इंटीजर जिसके लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू लेंगे. और परसेंटेज यू मतलब वो अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू ले लिया. और अब जो अनसाइंड है उसका मतलब है उसका नेगेटिव साइन नहीं होगा, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो इसके लिए हम लिख देंगे स्कैनएफ कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू लिख दिया, एम परसेंट एक्स लिख दिया, एड्रेस ऑफ एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इनपुट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल वाई विद स्कैनएफ यूज द कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू. जो पिछले स्टेटमेंट में एक्स के साथ किया था वो अब वाई के साथ करना है, तो वैसा ही एक्स की जगह वाई लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम. सेट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल आई टू वन, एक अनसाइंड वेरिएबल आई उसकी वैल्यू वन करनी है, एक करनी है, तो आई इक्वल टू वन लिख देंगे. सेट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल पावर टू वन, पावर नाम के एक वेरिएबल लेना है उसको वन कर देना है, तो पावर इक्वल टू वन लिख देते हैं. मल्टीप्लाई अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल पावर बाई एक्स एंड असाइन द रिजल्ट टू पावर, अनसाइंड वेरिएबल जो पावर लिया है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो वैल्यू आती है वो पावर को असाइन कर देनी है, मतलब पावर इक्वल टू पावर स्टार एक्स या पावर स्टार इक्वल टू एक्स लिख देंगे. आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करना है, एक बढ़ाना है, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कर देंगे या आई प्लस प्लस लिख देंगे. टेस्ट आई टू सी इफ इट्स लेस देन और इक्वल टू वाई इन द कंडीशन ऑफ ए व्हाइल स्टेटमेंट, एक व्हाइल स्टेटमेंट लिखना है जिसमें चेक करना है कि आई की वैल्यू जो है वो वाई के इक्वल या उससे कम है. तो व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू वाई लिख देंगे. आउटपुट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल पावर विद प्रिंटएफ यूज द कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू. पावर नाम का जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज यू काम में लेते हुए, तो इसके लिए प्रिंट टाइप में परसेंटेज यू और वेरिएबल नेम पावर लिख देंगे. अब ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए जो हमने लिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राइट ए सी प्रोग्राम दैट यूजेस द स्टेटमेंट्स ऑन द स्क्रीन टू कैलकुलेट एक्स रेज टू द पावर वाई, एक्स रेज टू द वाई पावर. द प्रोग्राम शुड हैव ए व्हाइल रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट. एक व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा है उसको यूज करते हुए हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो ये स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं उनको यूज करता है और उनमें एक्स की पावर वाई कैलकुलेट करता है और वो प्रिंट कर देता है. तो इन स्टेटमेंट्स को एक साथ क्रम में लिख लेते हैं और फिर सबको कंबाइन करते हैं. तो कंबाइन करने से पहले पावर स्टार इक्वल टू एक्स और आई प्लस प्लस ये दोनों व्हाइल के ब्लॉक के अंदर जाने हैं, तो इनको ब्लॉक में ले जाएंगे और इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट्स इस तरह से हो जाएंगे. आई इक्वल टू वन, पावर इक्वल टू वन, बाद में स्कैन स्टेटमेंट जो एक्स की वैल्यू रीड करेगा अनसाइंड एक्स की, बाद में दूसरा स्कैन स्टेटमेंट जो वाई की वैल्यू रीड करेगा, उसके बाद में व्हाइल स्टेटमेंट उसके व्हाइल के ब्लॉक में पावर स्टार इक्वल टू एक्स और आई प्लस प्लस लिख दिया, एंड में हम पावर को प्रिंट करेंगे. अब इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए इसमें एडर फाइल इंक्लूड कर दी मेन फंक्शन के अंदर, एक्स वाई आई और पावर को डिक्लेयर कर दिया अनसाइंड इंटीजर के रूप में, और प्रोग्राम वैसा का वैसा रहेगा. यहाँ लास्ट में मेन ब्लॉक को बंद कर दिया. Identify and correct the errors in each of the following. जो भी आगे statements लिखे हैं उनमें गलती ढूंढनी है और उसको ठीक करना है.
ये स्क्रीन पर आ रहा है वाइल पैरेंथेसिस में सी लेस देन इक्वल टू 5 और ब्लॉक में प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू सी सी प्लस प्लस सी, इसमें गलती क्या है? तो इसमें जो वाइल का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वो एंड नहीं हो रहा, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको एंड करना पड़ेगा और इसका मतलब प्लस प्लस सी जो सेमीकोलन जो लिखा है उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट मजला कोष्टक बंद कर देंगे, मतलब राइट ब्रेस लगा देंगे। स्कैन एफ कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज 4F है और बाद में वेरिएबल नेम परसेंट एम परसेंट वैल्यू लिखा है, इसमें क्या गलती है? तो स्कैन एफ स्टेटमेंट में कन्वर्जन स्पेसिफायर में फॉर्मेटिंग नहीं देते, फॉर्मेटिंग अलग रूप में देते हैं, इस तरह से 0.4F इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं देते। इसको ठीक करना है तो हमें 0.4 हटाना होगा और स्कैन एफ स्टेटमेंट हो जाएगा स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा एम परसेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, इफ पैरेंथिस में जेंडर डबल इक्वल 1 पुट्स वुमन एल्स सेमीकोलन पुट्स मैन सेमीकोलन, इसमें क्या गलती है? इसमें एल्स के बाद में एक सेमीकोलन आ गया है, ये गलती है क्योंकि ये यहाँ सेमीकोलन एल्स के बाद में लिखने पर इस एल्स स्टेटमेंट का मीनिंग ख़त्म हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए एल्स के बाद के सेमीकोलन को हटा देते हैं। नेक्स्ट, जेड इक्वल टू 100 सेमीकोलन वाइल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सम प्लस इक्वल टू जेड। यहाँ पर गलती क्या है? तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी प्रेजेंट लूप के अनुसार, क्योंकि जेड की वैल्यू 100 है और उसमें हमने कहीं यहाँ लिखे हुए के अनुसार कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए हमें जेड की वैल्यू में चेंज करना होगा और वो चेंज जेड की वैल्यू कम करके करना होगा। तो जे यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देने के लिए हमें ब्लॉक मजला कोष्टक भी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट में एक ही स्टेटमेंट है, तो मजला कोष्टक लगाया और अंदर लिख दिया जेड माइनस माइनस, मतलब जेड की वैल्यू एक एक कम होती जाएगी। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 सेमीकोलन पुट्स एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 एल्स पुट्स एज इज लेस देन 65। इसमें यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन लगा है, इसका मतलब आगे वाले स्टेटमेंट इफ के अंदर नहीं है और एल्स विदाउट इफ हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए इफ के इफ स्टेटमेंट के बाद में जो सेमीकोलन लगा उसको हटाना होगा और प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा। इंट एक्स इक्वल टू 1 टोटल वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 10 टोटल प्लस इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स, इसमें क्या गलती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल नाम का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो पहली बार जब वाइल स्टेटमेंट में जा रहा है वहाँ पर टोटल प्लस इक्वल टू एक्स लिखा है, वहाँ टोटल की या कोई रैंडम वैल्यू ले लेगा क्योंकि टोटल की प्लस इक्वल टू असाइनमेंट करता है जो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसमें राइट साइड वाले वेरिएबल एक्सप्रेशन को ऐड करके उसी लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देता है, मतलब लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल जो है उसकी पुरानी वैल्यू यूज होती है, तो फर्स्ट टाइम जब लूप में आता है तब टोटल की इसके पास वैल्यू नहीं है। यदि टोटल को इनिशियलाइज नहीं किया तो ये कोई भी रेंडम वैल्यू ले लेगा और रिजल्ट में गलत मिलेगा। इसको ठीक करने के लिए टोटल इक्वल टू 0 कर देते हैं वाइल स्टेटमेंट से पहले या जो भी सुटेबल वैल्यू है वो टोटल को असाइन कर देते हैं। वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 100 टोटल प्लस इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं, एक तो वाइल के अंदर डब्ल्यू अपर केस में लिखा हुआ है बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, जबकि सी प्रोग्रामिंग स्केस सेंसिटिव होती है, सब कुछ छोटे अक्षरों में आता है,
दूसरी इसमें गलती है कि वाइल स्टेटमेंट के अंदर एक ही स्टेटमेंट है टोटल प्लस इक्वल टू एक्स, इससे ये लूप जो है वो इन्फिनिटी टाइम्स चलेगा, क्योंकि या तो लूप चलेगा ही नहीं या इन्फिनिटी टाइम्स चलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यदि 100 से कम है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी नहीं और इन्फिनिटी टाइम चलेगा, और यदि एक्स की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो प्लस प्लस एक्स है उसको लूप के अंदर डालना होगा, जिससे यदि एक्स की वैल्यू 100 से कम है तो कुछ लिमिट के बाद में वो लूप के बाहर, कुछ लूपिंग करने के बाद बाहर आ सके। तो इसको ठीक करने के लिए व्हाइल में w को स्मॉल करना पड़ेगा, लोअर केस में करना पड़ेगा, और आगे वाले दोनों स्टेटमेंट टोटल एंड प्लस प्लस एक्स को ब्लॉक में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाइल y ग्रेटर देन जीरो प्रिंट एफ y प्लस प्लस y, इसमें क्या गलती है? इस क्वेश्चन में गलती है कि प्लस प्लस y लिखा हुआ है, y ग्रेटर देन जीरो, यदि y ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें वन ऐड करने पर भी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड करने पर ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। मतलब यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमेशा के लिए सेटिस्फाई होगी और एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये कभी कंडीशन एंड नहीं होगी, और यदि कंडीशन y की वैल्यू जीरो से कम है तो ये कभी सेटिस्फाई होगी नहीं। तो ये प्लस प्लस वाई जो लिखा है ये यूजलेस हो जाता है, काम का नहीं रहता। इसको ठीक करने के लिए यहाँ प्लस प्लस वाई की जगह में माइनस माइनस वाई या वाई इक्वल टू वाई माइनस वन करना होगा।